नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। संजय सिंह जी, राजेश यादव जी, उन सब कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि कृपया मंच पर माला लेकर आए। अब मैं पर है और पक्की गली नाली का 141 वार्ड में 89 वार्ड में काम पूरा हो गया। शौचालय निर्माण वाला 32,314 व्यक्तिगत शौचालय बनने हैं, जिसमें से अब तक 30,932 शौचालयों का निर्माण किया गया। 23 में से 22 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है और उसके सत्यापन का काम चल रहा है। हम लोग सिर्फ जुबान से नहीं बोलते, हम लोग जो निर्णय लेते हैं उसका हमेशा मुआयना करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। कौन साल बचा हुआ है जो बिहार के विभिन्न कोने में जाकर हम स्थिति को नहीं देखते, आकलन करते? तो आपने मेरे मौका दिया है तो हम लोग तो काम ही करते हैं, क्योंकि आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो आप सबसे आए हैं, केंद्र में मोदी जी की सरकार ने देश की इज्जत बढ़ाई है, देश का विकास कर रहे हैं और बिहार में हम लोग बिहार का विकास कर रहे हैं। तो इसलिए आप सबसे अपील करेंगे कि अगर आप विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, समाज में प्रेम का माहौल चाहते हैं, एकजुटता चाहते हैं, तो एकजुट होकर। और हम लोगों ने समाज के हर तबके का काम किया, चाहे हिंदू हो या मुसलमान या किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले हो। आज रमजान का महीना शुरू हुआ है, मैं इसके लिए सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को बधाई देता हूं विशेष अवसर पर। और हम लोगों ने सबके लिए काम किया, ऊंचे जात पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग दलित महादलित आदिवासी स्त्री पुरुष सबके लिए काम किया और यही हम लोगों का लक्ष्य है। इसलिए आप सब लोगों के बीच में हम लोग आए हैं आपका समर्थन मांगने के लिए, काम के आधार पर समर्थन मांगने। तो समर्थन मिलेगा ना, हाथ उठा के बताइए मिलेगा ना? तो रमा देवी जी को जीत का माला दे दे, हाथ उठा के बताइए, दे दे माला उनको ना। तो देखिए, आपकी इजाजत से हमने माननीय रमा देवी जी को माला दे दिया और ये सांसद पहले भी रही है, आपका हमेशा काम करती है, केंद्र में ही नहीं है, मेरे पास भी कितना आती जाती रहती है, कोई समस्या आती है तो अपने आप जिक्र करती है। इसलिए आप लोगों ने इजाजत दे दी, हम लोगों ने इनको माला सुपुर्द किया है, बाकी देखना अब आपका काम है। अब बहन लोग भी यहाँ बैठी हुए, देखिए आपके अधिकार के लिए हम निरंतर काम करते हैं। हम महिला ही उम्मीदवार है, आपसे यही अपील है, 12 तारीख को वोट है, उस दिन सवेरे तैयार होके घर में खाना मत बनाने लगिएगा। सवेरे तैयार होके पहले वोट डाल दीजिएगा, कमल छाप के बगल का बटन दबाकर वोट दीजिएगा।
तब घर लौट कर आइएगा, खाना बनाइएगा और खाइएगा। पहले मतदान तब जलपान, तो पहले वोट डालिए, लौट कर आइए, खाना बनाइए और तब खाइए। और दूसरी बात ये कहेंगे, घर के जो मर्द लोग आपके हिसाब से वोट डाल करके आवे, उनको प्रेम से भर पेट खिलाइएगा, और जो आप लोगों की बात न माने उनको दिन भर का उपवास करवा दीजिएगा। यही हम कहनों से अपील करेंगे। और इन सबों के साथ आप सब लोगों ने जो सहयोग का वचन दिया और आपकी इजाजत से हमने माला सुपुर्द कर दिया है रमा देवी जी को, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। यही पूर्वी चंपारण जिले में अभी कई जगहों पर चुनावी सभा में पहुंचना है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। जिला पार्षद अध्यक्ष और डॉक्टर कुमकुम सिन्हा जी, हमें हमारे राम पुकार सिन्हा जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छे ढंग से लोगों को तकलीफ को बताते हैं। हमारे श्री अमरेश सिंह जी, हमारे चंचल सिंह जी, मुन्ना साय जी, संजय सिंह जी, भरत पटेल जी, चेतन आनंद जी, राम अकबर उपस्थित, हमारे बड़े बुजुर्ग अभिभावक, काफी तपती धूप में आप एक ऐसा रास्ता खोज रहे हैं कि जहां आपको विकास का रास्ता मिले, इसलिए आप लोग इतने भीड़ से पेड़ के छाया लेकर या धूप में तप रहे हैं। हमारे सारे लोग आज एक चक से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी यही हैं जो गरीबों को दुख दूर करते हैं, उनको सात निश्चय के द्वारा अच्छे अच्छे काम जो कभी कोई नहीं किया। महागठबंधन ने तो जो कुछ किया और उसके बाद जो झूठ बोलने का जो एक तरह से तैयारी कर रखा है कि कहीं भी कोई चीज झूठ शामिल करे, लेकिन हमारी जनता इतनी जागरूक हो गई है, इनमें सोच इतना ज्यादा हो गया है कि तो सारे लोग समझ रहे हैं कि एक तरफ बिहार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जिस काम को हाथ में लिए है, कोई अपने लिए नहीं जियो। अगर नेतृत्व करने आए हो, जब नेता बने हो, तो इन गरीबों को मुंह पर जो लाली आए उसके लिए काम करो। हमारे गरीब माताएं बहने इंतजार करती है, गली गली में जब सड़के बनती है, नाला बनती है, तो लोग कहती है कि क्या बनाया है। हम कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ये सोचते हैं कि सड़क को हम सड़क को जोड़ेंगे है, तो अधिकार मांगती है और दिल से पुकारो तो प्यार बांटती है। रमा देवी आखरी है और माँ बहन बेटी बनकर समाज को संभालती है, माँ बहन बेटी बनकर समाज को संभालती है, बुराई के दानों को दुर्गा बनकर संहार करती है। आज जितने महागठबंधन बने हैं, जिस तरह से 15 सालों में जिस तरह से राहुल गांधी ने किस तरह से लूट मचाया, 9 से 14 में जब मैं सांसद बन के गई तो मुंह ताकते रह गई कि हमारे बिहार को पैसा दे और काम करने के लिए दे, तो लोग को घोटाला, एक लाइन से 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला। अध्यक्षता कराए हमारे जदयू के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन बाबू और संचालन कराए बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जी और आदरणीय इस मंच पर जितने भी एनडीए गठबंधन के लोग बैठे हुए हैं और आगे पीछे सब माता बहन आए हुए सब लोगों को नमस्कार प्रणाम। आज हमारे विकास ग्रुप आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, जिनकी इंतजार आप लोग कर रहे थे बहुत देर से, वो हमारे गार्जियन बिहार के और हम सब लोगों के गार्जियन हैं जो यहाँ आ गए हैं। आप लोग उनकी वाणी को सुनने के लिए बेताब है, थोड़े देर में आप लोगों को मौका मिलेगा। आज यह माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत ही हम लोगों की खुशी की बात है कि हम लोग के चिड़िया हाई स्कूल के मैदान में आज हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं और 12 तारीख को यह वोट है श्रीमती रमा देवी को, कमल छाप पर बटन दबा करके रमा देवी को जिताना है और दोबारा माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि
समय कम है, माननीय जी आ गए, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।